بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास वन, योर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर टू। ओपन योर बुक, page number 6. Open your book, page number 6. Student, heading of the chapter is types of machines. आपके chapter का name क्या है? Types of machines. Now we will start study work for day 1. स्टूडेंट, चैप्टर नंबर टू और आपकी हेडिंग क्या है चैप्टर की? टाइप्स ऑफ मशीन, मशीनों की अकसाम। अब मशीनों की बहुत सी जो है किस्में हैं जो हमने इसमें पढ़नी है। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें आपने जो है क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। मशीन्स हमारे काम को बहुत आसान बना देती हैं और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी मशीनों से काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरा YouTube का लेक्चर आप तक आ रहा है, पहले हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, देन आपके पास ये जा रहा है। देखेंगे ये सारा काम भी क्या कर रही हैं, मशीन्स कर रही हैं। इसी तरह आप देखें कि आप एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं या ट्रैवल करते हैं, किसके ज़रिए करते हैं? मशीन के ज़रिए। कौन कौन सी मशीनें आप इस्तेमाल करते हैं इसमें? कोई जो है बच्चा साइकिल पे भी चला जाता है, मोटरसाइकिल पे, बाइसिकल पे, फिर इसके बाद आप देखें कार पे, बस पे, जो है ट्रेन पे, एरोप्लेन है, शिप्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट? मशीन्स है। इसी तरह आपके पास अगर हम सिंपल मशीन देखें कि आप और कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं, आप देखें आप सीधर यूज़ करते हैं, तो सीधर भी क्या है? एक मशीन है। किस लिए काम की जाती है सीधर? हमारे कपड़े काटने में, कट करते हैं हम उससे, कोई भी चीज़ कट करने में सीधर इस्तेमाल होती है। दूसरा आप देखें हैमर, हैमर भी क्या है आपके पास? एक मशीन है। आप उससे क्या करते हैं? दीवारों पे कील जो है ठोकने के लिए काम करते हैं, कील लगाने के लिए सॉरी काम करते हैं, दीवार तोड़ने के लिए उस काम आता है हैमर। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास? एक मशीन है। अब आप देखें कि जब छोटे बच्चे को हम लेके जाते हैं बाहर, तो हम प्रैम यूज़ करते हैं, बेबी प्रैम। तो स्टूडेंट, बेबी प्रैम भी क्या है? एक मशीन है। देखिए उसमें व्हील्स लगे हुए हैं, वो मूव कर रहे हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह बेबी प्रैम को लेके जा सकते हैं, तो ये भी क्या हुई? एक मशीन है। आप देखें पेपर कटर, आप सब ने देखा होगा कि जिससे हम पेपर काटते हैं जो है हमारे पास बना होता है, तो स्टूडेंट वो भी एक क्या है? मशीन है। ठीक है, टीवी आप देखते हैं, टीवी भी क्या है? एक मशीन है। माइक्रोवेव ओवन भी एक क्या है? मशीन है। और आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी एक मशीन है। कुछ मशीनें ऐसी हैं जो बिजली से चलती हैं और कुछ मशीनें ऐसी हैं जो हम अपनी मदद से चलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी मशीनें क्या हैं हमारे पास? ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? मशीन्स कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट,
जो हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। ठीक है, क्या मैंने कहा है? हम जो है उन जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, वो क्या कहलाती हैं? हमारे पास मशीन कहलाती हैं। जी स्टूडेंट, अब हम जो है अपनी रीडिंग करेंगे। आप सब स्टूडेंट्स ने, क्लास वन, आप सब ने जो है अपनी बुक्स को खोल लेना है, और जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी, रीडिंग करूंगी, आपने वैसे वैसे जो सा है उसको समझना है और उसमें अल्फाज मायने लिखने हैं। जी, मशीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मशीन मुख्तलिफ अकसाम की होती हैं। सम मशीन्स आर स्मॉल। कुछ मशीनें छोटी होती हैं, जैसे कि सीजर, हैमर, वॉच। आप देखें, कंप्यूटर में आप माउस यूज़ करते हैं, वो भी एक छोटी मशीन है। बाइसिकल, ये भी क्या है? एक छोटी मशीन है। ठीक है, तो ये सारी चीज मशीनरी क्या है आपके पास? छोटी छोटी मशीनें हैं। वाइल, जबकि सम आर बिग, और कुछ मशीनें बहुत बड़ी होती हैं। आप देखें, जैसे मॉनिटर है, बड़ी है। आपके पास कार है, ये भी बड़ी मशीन है। शिप है आपके पास, ये जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं, ये सारी क्या हैं? ये बड़ी मशीनरी कहलाती है। माइक्रोवेव ओवन है, कंप्यूटर है, एलईडी है, आपके पास वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बड़ी हैं। तो हम यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि कुछ मशीनें छोटी होती हैं और कुछ मशीनें बड़ी होती हैं। सम मशीन्स आर इजी टू यूज़। कुछ मशीनें जो है हमारे काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एंड और सम आर वेरी कॉम्प्लेक्स, कि कुछ मशीनें जो है हमारे बहुत ज़्यादा उन्हें चलाने में मुश्किल भी होती है, लेकिन वो मुश्किल होती हैं जब हम उसे एक दफ़ा चला लेते हैं तो वो हमारे पास क्या रहती है? उन्हें यूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। मेनली, ज़्यादातर, वी कैन डिवाइड मशीन्स इन टू टू टाइप्स, कि हम मशीनों को दो अकसाम में जो है तकसीम करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज सिंपल मशीन। पहली क्या है? किस्म उसकी सिंपल मशीन, और दूसरी क्या है? ऑटोमेटिक मशीन। अब आप देखें सिंपल मशीन क्या होती है। स्टूडेंट, सिंपल मशीन आपके पास जो इन ह्यूमन और एनिमल फोर्स, देखिए जी, इंसान या जानवरों की ताकत से मशीनें चलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन कहते हैं। आप देखते हैं कि एनिमल फोर्स का क्या मतलब है। देखें, आप सबने एनिमल कार्ड देखा होगा, जिसे हम कहते हैं कि लोग टांगा कहते हैं। कि पहले के ज़माने में लोग, जब बहुत कम थी ट्रांसपोर्ट, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चीज़ें कम थी, तो एनिमल कार मतलब एक टांगा चलता था जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देता था। अब आप देखें, एनिमल कार की एक बेस्ट एग्जांपल है, आप देखते हैं बाहर आपके जो है घर के बाहर जो है सब्जी बेचने के लिए आते हैं, फल फ्रूट बेचने के लिए आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। कुछ लोग रेडी पर होते हैं और कुछ लोगों ने आगे मतलब उनको गधा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो वो है वो अपने काम को किस चीज़ से, अपने सिंपल मशीन किस चीज़ से चला रहे हैं? एनिमल से, जानवर से चला रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल फोर्स या एनिमल कार। ये है आपके पास जो दिया हुआ है। अब ह्यूमन से, अब इंसान अपनी छोटी छोटी मशीनों को किस तरह चलाते हैं? देखें स्टूडेंट, सीजर है, हम खुद चला रहे हैं उसे, उसमें कोई मशीनरी तो नहीं लगी हुई। तो सीजर हमारे पास क्या है? जो इंसान खुद चलाते हैं। दूसरी चीज क्या हैमर, इसको भी हम खुद चलाते हैं।
फिर हमारे पास क्या रहता है, बेबी प्रैम। अब देखें, बेबी प्रैम को मदर या फादर आगे लेके जाएंगे तो वो जाएगा, वैसे तो वो वहीं पे रह जाएगा। तो वो भी किसकी मदद से चल रही है बेबी प्रैम? इंसान की मदद से, ह्यूमन की वजह से। तो इसलिए बेबी प्रैम भी क्या आपके पास आ जाएगी इसमें। अब दूसरी चीज आ जाती है बाइसिकल। बाइसिकल आप देखें, बाइसिकल पे स्टूडेंट जब आप बैठते हैं तो आप उसे चलाते हैं कि खुद ब खुद चली जाती है वो? ऐसा तो नहीं है। कोई भी बच्चा बैठता है तो वो हम चलाएगा तो बाइसिकल चलेगी। तो इसलिए ये भी मशीन किसकी मदद से चल रही है? इंसान की मदद से। तो ये मैंने आपको जो सारे एग्जाम्पल दी हैं, ये किसकी मदद से चल रही हैं? इंसानों की मदद से। और एनिमल फोर्स आपको मैंने बताया है कि आप देखें कि पहले के ज़माने में जो टांगा है वो इंसान जानवर आगे ज़रूर होता था, लेकिन इंसान उसे चलाते थे तो वो चलता था, तो हमें वो एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा था। ठीक है, इस तरह उन्होंने कहा है। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मशीन्स डैट वर्क बाय ह्यूमन और एनिमल पावर आर कॉल्ड सिंपल मशीन। मशीन डैट वर्क, मशीनों से हम काम कर, मशीन काम करती हैं बाय ह्यूमन इंसानों के जरिए, और एनिमल पावर और जो है जानवरों की ताकत के जरिए जो काम करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल मशीन कहते हैं। हेयर आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन। यहाँ सिंपल मशीनों की एक मिसालें दी गई हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दी हैं। यहाँ पे भी ऐसी लिखी हुई है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, वो ये है पेपर कटर। पेपर कटर, सीजर, हैमर, एनिमल कार्ट, बेबी प्रैम, बाइसिकल, ये सारी क्या है? सिंपल मशीन है जो आपके पास जो है इंसानों की मदद से चलती हैं। आप इसके अंदर इस जो है ह्यूमन वाले में एग्जांपल में माउस भी ऐड कर लें। माउस को हम चलाते हैं तो वो चलते हैं, वरना वो नहीं चलता। ठीक है, अब आप आ जाए नेक्स्ट पेज पे, ऑटोमेटिक मशीन। अब ऑटोमेटिक मशीन क्या है स्टूडेंट? ऑटोमेटिक मशीन आपके पास तीन चीजों से चल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? बिजली कहते हैं, ऐसी है ना क्लास वन, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? बिजली। बिजली से चल सकती है ऑटोमेटिक मशीन। फ्यूल, ईंधन से चल सकती हैं, और कोई भी दूसरी तवनाई हो सकती है, एनर्जी। इसको हम उर्दू में कहते हैं तवनाई। ऑटोमेटिक मशीन किस तीन चीजों से चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से, फ्यूल से, और अदर एनर्जी, कोई और भी तवानाई हो सकती है जिसकी मदद से हम ये चला सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें टीवी को हम रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं तो वो दूसरी एनर्जी हो गई, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये दूसरी एनर्जी में कोई भी चीज आ सकती है। अब बिजली से चलने वाली मशीनें देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आज जो आप यूज कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास? कंप्यूटर। ठीक है, और वॉशिंग मशीन, ब्लेंडर, माइक्रोवेव ओवन, और आपके पास क्या है जी? ये बिजली से चलने वाली, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? टेलीविजन। ये सारी मशीनरीज क्या हैं जो आपके पास किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं।
इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, एसी, कूलर, ठीक है, फ्रिज। आप देखें, आपकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसे चल रही हैं, बिजली से चल रही हैं, ठीक है। आप देखें, लाइट यूज करते हैं, लाइट, फैंस, ये सारी चीजें किसे चलती हैं, बिजली से चलती हैं। अब हमें देखना है कि जो फ्यूल से चलती हैं, मतलब ईंधन, जिसमें हम डिफरेंट चीज होते हैं ना, पेट्रोल भी डलवा सकते हैं, सीएनजी भी डलवा सकते हैं, आप जो सा बहुत ही चीज ऐसे होते हैं, ईंधन भी किसी चीज में डलता है, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, फ्यूल्स में ही आ जाती हैं। अब इससे कौन कौन सी चीज चलने वाली है, कार, शिप, एरोप्लेन, ट्रेन, मोटर बाइक, है। ये सारी चीजें किससे चलती हैं, आपके फ्यूल से चलती हैं। अब हमने देखना है कि जो दूसरी एनर्जी से चलने वाली चीजें हैं वो कौन सी हैं। देखिए, दूसरी एनर्जी में आ जाते हैं आपके पास बैटरी से चलने वाली चीजें, कि जिसके अंदर बैटरी यूज होती है। मैं यहाँ पे लिखूंगी एलईडी, क्योंकि इसके अंदर रिमोट लिखते हैं, इसके अंदर एलईडी से नहीं, रिमोट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, आप सब जो टॉयज यूज करते हैं इसके अंदर भी बैटरी यूज होती हैं, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में भी बैटरी जलती है, तो वो चलता है हमारे पास, ठीक है। टॉर्च लाइट, इसमें भी हमारे पास बैटरी यूज होती है। ये सारी चीजें क्या है, आपके पास बैटरी यूज करते हैं, ये दूसरी तवानाई है जिसकी मदद से चीजें चलती हैं। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, और भी बहुत सी हैं, मैं यहाँ पर ETC लिख देती हूँ। ETC का मतलब, इसको हम कहते हैं एटसेट्रा, क्या कहते हैं, क्लास 1, एटसेट्रा, इसका मतलब होता है वगैरह, हम जो लिखते हैं वो, या बहुत सी ऐसी चीज है। फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, ब्लेंडर, माइक्रोवेव ओवन, टेलीविजन, एसी, कूलर, फ्रिज, लाइट, फैंस, ये सारी चीजें इसमें क्या है, जो ये बिजली से चलती हैं। फ्यूल से चलने वाली चीजें, कार, शिप, एरोप्लेन, ट्रेन, मोटर बाइक। अब देखें नेक्स्ट क्या है आपके पास, रिमोट, टॉयज, मोबाइल फोन, टॉर्च लाइट, ये जो सारी लास्ट में लिखी हुई हैं, ये किसकी मदद से चलती है स्टूडेंट, बैटरी से। बैटरी होगी तो यहाँ पे हमारे पास ये चीजें चलती हैं। आप देखें कि रिमोट और टॉयज जो है किससे चलते हैं, सेल से, ये भी सेल से ही चलते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, दूसरी तवानाई। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 7 ओपन कर लें। ऑटोमेटिक मशीन, स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर ऑटोमेटिक मशीन, के ऑटोमेटिक मशीन क्या है। जी, मशीन दैट वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और एनी अदर एनर्जी रिसोर्सेस, सॉरी रिसोर्स, आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन। मशीन बिजली, ईंधन या दूसरी तवानाई के जरिए से चलने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, कार्स, मोटर बाइक्स, एरोप्लेन एंड शिप्स आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक मशीन विच नीड्स फ्यूल टू रन, के इन्हें चलने के लिए किस चीज की जरूरत है, फ्यूल की जरूरत है। जी देखिए, नीचे लिखा हुआ है, टीवी, माइक्रोवेव ओवन एंड कंप्यूटर आर आल्सो ऑटोमेटिक मशीन्स बट दे नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। टीवी,
माइक्रोवेव ओवन और कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन भी हैं, लेकिन इनको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। डी स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। Student of class 1, now we will start work for day 2. Student, आप सब अपनी कंप्यूटर की कॉपीज रेडी कर लें। जिस तरह आपने चैप्टर नंबर 1 अपनी कॉपीज पे सॉल्व किया था, अपनी कॉपीज पे वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लिखे थे, इसी तरह आपने चैप्टर नंबर 2 के लिए वर्ड्स मीनिंग के लिए आपने क्या करना है, कॉपी रेडी करनी है। नाउ वी विल स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग। स्टूडेंट, वर्ड्स मीनिंग अल्फाज मायने। फर्स्ट वर्ड है TYPES, टाइप्स, अकसाम। क्या मतलब है टाइप्स का? अकसाम। डिफरेंट DIFFERENT, क्या बना? डिफरेंट, मुख्तलिफ। वाइल, जबके। WHILE, वाइल। नेक्स्ट है SOME, SOME, क्या बना? सम। सम का मायने है कुछ। क्या है सम का मायने? कुछ। स्मॉल, SMALL, क्या बना? स्मॉल, छोटी। EASY, क्या बना? इजी, आसान। बिग, बड़ी। मेनली, मेनली, MAINLY, मेनली, ज़्यादातर। ज़्यादातर भी हम इसे लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं आम तौर पर, ठीक है। दूसरा मीनिंग आप क्या लिख सकते हैं इसका? आम तौर पर। कॉम्प्लेक्स, पेचीदा। ऑटोमेटिक, खुदकार। सिंपल, सादा। पावर, ताकत। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। फ्यूल, ईंधन। रिसोर्स, जरिया। शिप्स, बहरी जहाज। नीड, ज़रूरत। एग्जाम्पल, मिसालें। जी स्टूडेंट, ये आपके वर्ड्स मीनिंग है जिन्हें हम एक और बार जो है पढ़ेंगे। मैं रिपीट करने लगी हूँ इसको। टाइप्स, अकसाम। डिफरेंट, मुख्तलिफ। वाइल, जबके। सम, कुछ। स्मॉल, छोटी। इजी, आसान। बिग, बड़ी। मेनली, ज़्यादातर। कॉम्प्लेक्स, पेचीदा। ऑटोमेटिक, खुदकार। सिंपल, सादा। पावर, ताकत। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। फ्यूल, ईंधन। रिसोर्स, जरिया। शिप्स, बहरी जहाज। नीड, ज़रूरत। एग्जाम्पल, मिसालें।
डिस्टेंट ये आपके वर्ड्स मीनिंग है जो आपने अपनी कॉपी पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। लर्न एंड राइट ये आपने दोनों काम करने हैं। ओके अब आप सब अपने बुक का पेज नंबर 8 ओपन कर लें। सबने ओपन कर लिया है जी स्टूडेंट। आपकी एक्टिविटी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल ब्लू एंड रेड कलर्स इन सिंपल मशीन। आप सबको अपने पेज पर ये जो है तस्वीरें दिखाई गई हैं, बनाई हुई हैं, सबको नज़र आ रही हैं। आप सब ने इसमें करना क्या है, जो सिंपल मशीन है उसमें ब्लू से आपने फिल करना है और रेड कलर से जो आपको दिल करता है ब्लू से करते हैं, जो दिल करता है रेड से करते हैं। लेकिन आपने कौन से कलर यूज़ करना है सिंपल मशीन में, रेड और ब्लू। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल ब्राउन एंड ग्रीन कलर्स इन ऑटोमेटिक मशीन। और ऑटोमेटिक मशीन में कौन सा कलर करना है आपने, ब्राउन और ग्रीन। अब आप देखें कि कौन कौन सा आपके पास जो है दिया हुआ है, कौन कौन सी तस्वीर दी हुई है। फर्स्ट पिक्चर इज कौन सी है जी स्टूडेंट, एरोप्लेन। अब आप मुझे बताएं कि एरोप्लेन किससे चलता है, फ्यूल से। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है। एरोप्लेन क्या है स्टूडेंट, ऑटोमेटिक मशीन है। अब आपने इसके अंदर ब्राउन कलर करना है या ग्रीन कलर करना है, जो आपको अच्छा लगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर। कंप्यूटर किसकी मदद से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, बिजली की मदद से चलती है। तो यहाँ पर भी कौन सा कलर होगा, ब्राउन या ग्रीन। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए जी यहाँ पर आपके पास जो है ये बना हुआ है, हॉर्न बना हुआ है। ये स्मॉल मशीन है, सिंपल मशीन है, ठीक है। ये किसी की मदद से नहीं चलती है, ये इंसान की मदद से चलती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लू कलर आएगा इसके अंदर। अब आगे बनी हुई है कार। कार कौन से मशीन है आपके पास, सिंपल या ऑटोमेटिक। आप जानते हैं कि कार हमारे पास फ्यूल से चलती है, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पे कौन सा कलर होगा, ब्राउन या ग्रीन। नेक्स्ट है हैमर। हैमर हमने कौन सी मशीन में पढ़ा है, सिंपल मशीन में पढ़ा है। तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा, रेड या ब्लू कलर होगा। नेक्स्ट देखें वॉच। अब आप देखें स्टूडेंट, वॉच आपके पास किस चीज़ से चलती है, ये आपके पास जो है सेल से चलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक मशीन होगी। ये दूसरी जो है एनर्जी से चलती है, एनर्जी रिसोर्स से। तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है। आप इसके अंदर कौन सा कलर करेंगे, ब्राउन या ग्रीन, ठीक है। वॉच हमारे पास क्यों है ऑटोमेटिक मशीन, क्योंकि ये बैटरी से चलती है, या आप ये कह लें ये सेल से चलती है। नेक्स्ट है सीजर। सीजर हमारे पास क्या है, सिंपल मशीन है, जो किसकी मदद से चलती है, इंसानी ताकत की मदद से। तो ये क्या है, सिंपल मशीन है। कलर कौन सा होगा इसके अंदर, ब्लू और रेड कलर होगा। नेक्स्ट है कैमरा। अब कैमरा हमारे पास कौन सी मशीन है, ऑटोमेटिक या सिंपल, ऑटोमेटिक मशीन है। क्यों ऑटोमेटिक मशीन है, क्योंकि इसके अंदर बैटरी यूज होती है, ठीक है स्टूडेंट। इसका कलर होगा ब्राउन या ग्रीन। नेक्स्ट है स्क्रू ड्राइवर। अब ये क्या आपके पास, आप देखते हैं पेचकस। पेचकस हमारे पास हम खुद चलाते हैं, ठीक है, उसे पेज खोलने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये भी क्या है आपके पास, सिंपल मशीन है, जिसके अंदर आपने रेड और ब्लू कलर करना है। नेक्स्ट है आपके पास स्पीकर। अब स्पीकर आप देखें किसे चलते हैं, जब तक आप इसका स्विच जो है नहीं लगाएंगे तब तक तो ये नहीं चलेगा। तो इसी वजह से ये क्या है आपके पास, ऑटोमेटिक मशीन है। आपने इसके अंदर ब्राउन और ग्रीन कलर करना है, जो आपको अच्छा लगे इसमें। नेक्स्ट बनी हुई है बाइसिकल। बाइसिकल आपके पास कौन सी मशीन है, सिंपल मशीन है, किसकी मदद से चलती है,
इंसानी ताकत की मदद से चलती है, तो इसलिए आपने रेड या ब्लू कलर इसके अंदर करना है। ओके स्टूडेंट, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि कौन सा आपने करना है कलर और कौन सा आपने कलर, कौन कौन से कलर इसमें करने हैं। फर्स्ट है एरोप्लेन, एरोप्लेन में आपने ब्राउन या ग्रीन कलर करना है। नेक्स्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपने जो है ब्राउन या ग्रीन कलर करना है, क्योंकि कंप्यूटर इज अ ऑटोमेटिक मशीन। नेक्स्ट है आपके पास कार, कार भी ऑटोमेटिक मशीन है जिसके अंदर आपने ब्राउन और ग्रीन कलर करना है। नेक्स्ट है हैमर, हैमर में आपने ब्लू या रेड कलर करना है। वॉच है, वॉच भी ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें भी आपने ब्राउन और ग्रीन कलर करना है। इसी तरह सारे आपके बाकी दिए हुए जो मैंने आपको बता दिए हैं क्लास वन, आपने उसको उसी के मुताबिक कलर कर लेने हैं। इज इट क्लियर? पेज नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, पेज नंबर 9 पर आ जाए। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द मशीन मशीन्स दैट वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी, के बिजली की मदद से चलने वाली मशीनों को आपने दायरा लगाना है। ठीक है, सर्कल करेंगे। फर्स्ट देखें तस्वीर कौन सी बनी हुई है, ये है आपके पास, ये देखें ये बना हुआ है। फर्स्ट है ब्लेंडर मशीन, ठीक है, तो आप सब ये आपको पता है किसकी मदद से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो ये आप इसे क्या कर देंगे, सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है बेबी प्रैम, बेबी प्रैम आपके पास किससे चलती है, इंसानी ताकत की मदद से, तो ये क्या हुआ, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर किससे चलता है स्टूडेंट, बिजली मींस इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर चलता है, इसी वजह से हम इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है आयरन, आप कपड़े इस्त्री करते हैं, अपने कपड़े आयरन करते हैं ना स्टूडेंट, तो आयरन किससे ना चलती है, बिजली से चलती है, तो आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एसी, एसी किससे चलता है, बिजली से चलता है, तो एसी भी हम आपके आपके पास क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, ये किसकी मदद से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। नेक्स्ट है शिप, शिप आपके पास किससे चलती है, फ्यूल से, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, नहीं चलती, इसलिए आप इसे कलर सॉरी सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कार, स्टूडेंट क्या कार इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है, नहीं चलती, तो फिर ये किसकी मदद से चलती है, फ्यूल की मदद से, तो इसीलिए हमारे पास कौन कौन से सर्कल होने हैं, ब्लेंडर, कंप्यूटर, आयरन एंड एसी, जो आपके पास सर्कल होंगे। ओके स्टूडेंट, हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट डे। अब आपके स्कूल्स खुलने लगे हैं, आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।